Assalamualaikum students, my name is Ram Javeria and from now on I'm going to teach you the subject science and I hope you will cooperate with me and you will study hard. So आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास फोर की साइंस. तो आप सब मेरे साथ अपनी बुक खोलिए और अपना यूनिट नंबर वन ओपन कीजिए. यूनिट नंबर वन द ह्यूमन बॉडी. हमारा यूनिट नंबर वन जो है वो है द ह्यूमन बॉडी. इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे. द बॉडी कंटेन मैनी ऑर्गन्स. जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन्स कंटेन करती है. मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. द ऑर्गन्स इनेबल द सिस्टम ऑफ अ बॉडी टू फंक्शन. और ऑर्गन्स जो है वो इनेबल मतलब मेक श्योर करते हैं कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं. सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस जो है वो ऑर्गन्स के ज़रिए परफॉर्म होते हैं. ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको. हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, लिवर, स्टमक, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स. हमारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. जो ब्रेन है हमारा, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. कंट्रोल सेंटर से क्या मुराद है कि हमारी पूरी बॉडी को ये ही कंट्रोल करता है. हमारा ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे ब्रेन की परमिशन से परफॉर्म होते हैं. लाइक जो हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, उसको जो है वो सिग्नल्स दिए गए होते हैं ब्रेन की तरफ से, इसलिए हमारा हार्ट पंप करता है. तो इसीलिए जितने भी ऑर्गन्स जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन सबको सिग्नल देता है हमारा ब्रेन. इसलिए हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का. सेल्स. सेल्स क्या होते हैं, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सारी जानदारों की तरह जो ह्यूमन बॉडी है वो भी सेल्स से बनी हुई है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी. सेल्स जो है वो स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ही छोटा, सबसे छोटा जो है वो बिल्डिंग यूनिट होता है हमारी बॉडी का, किसी भी लिविंग थिंग का, इवन प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी. लेकिन अभी हम ह्यूमन बॉडी को जो है वो पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ह्यूमंस के ऊपर रख के बात करूँगी कि ह्यूमंस जो हैं जो सबसे स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का, जिससे मिलके हमारी बॉडी की दूसरी चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो होता है सेल. वी हैव बोन सेल्स. बोन सेल्स हमारे वो होते हैं जिससे मिलके हमारी बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ बनी हुई होती हैं. मसल सेल्स, वो सेल्स जिससे मिलके हमारे मसल्स बने हुए होते हैं. हार्ट सेल्स, हार्ट सेल्स हमारे हार्ट के सेल्स. एंड देन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं सेल्स. एंड सो ऑन. एंड सो ऑन का मतलब हमारे और भी बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन आपके कोर्स में इतने शामिल हैं तो फिलहाल हम इतने ही पढ़ेंगे. बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. हमारी बोन्स जो हैं वो लिविंग सेल्स से बनी हुई होती हैं. जैसे कि आपको डायग्राम में जो है वो दिख रहा होगा, यहाँ पे है नर्व सेल्स. नर्व सेल्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे ब्रेन से जो है वो मैसेजेस लेके बॉडी तक जाते हैं और बॉडी से मैसेजेस लेके हमारे ब्रेन तक आते हैं, इन्हें कहते हैं नर्व सेल्स और इन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. और रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं, हमारी बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टिश्यूज. टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. जब सेल्स का बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, टिश्यूज. अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर जॉब्स. टिश्यू जो है वो सेल्स का ग्रुप है, मतलब बहुत सारे सेल मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज और ये सिमिलर जॉब्स परफॉर्म करते हैं. टिश्यू कैन बी मस्कुलर. टिश्यूज जो है वो मस्कुलर भी हो सकते हैं, यानी कि मसल टिश्यूज. मस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं जिसमें मसल्स के बेस पे टिश्यूज हों, लाइक हमारा हार्ट. हमारा हार्ट में जो टिश्यूज होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं. एंड हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो सॉफ्ट होते हैं. और पैडिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब कि हमारी जो बोन्स है हमारी बॉडी के पार्ट्स को ब्रेकेज से जो है वो बचाते हैं. जैसे हमारी नी है या कोई भी जॉइंट है, हमारा नी का जो जॉइंट है, जिसे आप इमेजिन कर लें कि ये मेरी नी का जॉइंट है, तो अगर जो है इसके ऊपर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे ताकि जब हमारा नी जो है वो मूवमेंट करती है, नी की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो है हमारी बोन्स पे कोई फर्क न पड़े. तो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो हमारी बोन्स को ब्रेकेज से भी बचाते हैं. एंड देन नर्वस.
नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी नर्व्स जो हमारी होती हैं वो नर्वस टिश्यूज से बनी हुई होती हैं, और नर्वस टिश्यूज हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं? एपिडर्मस आउटर मोस्ट। अच्छा, एपी का मतलब होता है सबसे जो बाहर का, इसीलिए एपिडर्मस होता है कि सबसे स्किन की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है किसी भी डर्म कहते हैं लेयर को, स्किन को, तो एपिडर्मस सबसे ऊपर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन लिखा हुआ भी है यहाँ पे। स्किन की सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, जो लेयर होती है, लाइनिंग, उसे कहते हैं हम लोग एपिडर्मस। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो ऊपर वाली जो हमारी स्किन की सतह होती है उस पर होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कौन से ऑर्गन्स? जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है टिश्यूज़ की वो होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। और नीचे हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस बताए हुए हैं ग्रुप्स के, द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टाइप्स। टिश्यू डिफरेंट टिश्यू टाइप्स के जो है वो हमारे यहाँ पे फंक्शंस बताए हुए हैं। टाइप वन है हमारे पास मस्क्यूलर टिश्यूज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मस्क्यूलर टिश्यूज जो है वो मूवमेंट में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि वो मूव करे। कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप्स टू ऑर्गन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस।